जी मोहिन साहब, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। अल्लाह का शुक्र है। आप जी पे माशा मांग रहे अल्लाह। हो, आप गूगल पे वगैरह पेमेंट मांग रहे हो सब लोगों से? नहीं मांगा नहीं मैंने मोहिन हाँ साहब, कभी मांगा? हाँ नहीं, अभी अभी जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, एंट्री लिए तो अभी बोल रहे थे ना आप जी पे मांगा वगैरह दे दो। कहाँ, मांगा किधर? साबित कर नहीं सकते तो आपने अभी मांगा? बोल कर रहे थे ना आपकी जी पे वगैरह कर दो पे, कुछ ऐसा क्या कुछ कह दो रहे कब थे? बोला, अच्छा नहीं बोला, सॉरी मेरी मिस्टेक है। हाँ, क्या रमजान सुना भैया, रोजे का आपने? क्या था? रोजा के नाम पे क्या कह रहे थे आप? देखो रोजे के नाम पे अल्लाह क्या देता है? आज का टॉपिक क्या है? मोइन भाई देखो, प्रॉब्लम ये होता है ना, बहुत से लोगों का क्या हिसाब होता है मालूम है, सुनते एक है, समझते एक है और बोलते एक है, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो आदमी को सुनना भी सही चाहिए, समझना भी सही चाहिए और उसके बाद बोलना भी सही चाहिए। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है। ठीक है जी मोइन सही भाई, है। नहीं, ये टॉपिक क्या था? रोजा के नाम पे अल्लाह क्या देता है, इसमें के इसका मोटिव क्या है, मतलब किस लिए, क्या टॉपिक है, क्या है, मतलब इसमें इशू क्या है? थोड़ा सा जैसे मैं अभी इंटर हुआ हूँ थोड़ी देर पहले, या 1 घंटा करीब हुआ है, आप तो मोमिन थोड़ा है समझ मोइन में। भाई, कोई जी हाँ मोमिन हूँ, सूरा नाम ही सुना है मेरा सकते हैं? मोमिन है। कोई सूरा हाँ, कौन सुना सी सूरत सकते हैं? सुनानी है? सूरह मैं जो बकरा, बोलूंगा वो सुना औज़ु दोगे? बिल्लाहि पूरे मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, रोल ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिनूना बिल्ग़ैब वा यूक़ीमूना सलाता वा मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना यूमिनूना बिमा अंज़ला इलैका वा हुम अहसनु मिन क़बली वा बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलैका रज़ा मिन रब्बिहिम वा उलैका हुम मुफ़्लिहून। कहाँ तक सुनाऊँ? पूरी सुना दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। पूरी सूरह बकरा आती है आपको? नीली नीली आती है पूरी। हाफिज है आप? हाफिज है आप? अरे म्यूट क्यों कर लिए? क्या हो गया इनके साथ, क्या मामला हो गया? जिब्राइल तो नहीं आ गए? डू यू ठीक है, एक्सेप्ट म्यूट बिटकॉइन साहिल हो जा भाई? रहा है, म्यूट हो जा रहा है, म्यूट पता नहीं। नहीं भाई, हम तो म्यूट नहीं करे, आप खुद किए यार। ये बिटकॉइन का मेरे पास कौन सा एक सॉफ्टवेयर तो है एक, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बिटकॉइन का जो नंबर आता है वो देता हूँ। मेरे को तो यूज करने आता नहीं भाई ये बिटकॉइन। बिटकॉइन मेरे ख्याल से एक कॉइन बेस है मेरे पास, और किसी ने बोला था लेकिन कोई कॉन्ट्रीब्यूट उस पर किया नहीं। एक कॉइन बेस है और एक कोई सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उसमें जो नंबर होता है वो उठा के दे दूंगा, क्योंकि इतना मेरे को ये यूज करने नहीं आता है। हमें एक साइट है bitcoin.org, उसमें जाके हो जाता है। आप भी करते हो बिटकॉइन यूज? हाँ मेरे पास है कितने बिटकॉइंस है यार, इन्वेस्टमेंट किए थे मैंने पहले, काफी पहले। तो? अभी कितने करोड़ के मालिक है आप? ठीक है, अल्लाह अल्लाह रोटी दे रहा है, बढ़िया। हाँ अल्लाह दे रहा है, लेकिन कितना वो तो बताओ, कितना रोजी दिया आपको अल्लाह ने बिटकॉइन के जरिए से? अच्छा दे रहा है, खुद अच्छा कर पा रहे हैं, खुद अच्छा कर पा रहे हैं और लोगों के देश की सेवा कर पा मतलब रहे क्या हैं। इसमें क्या करोड़ विरोड़ बन जाते क्या बिटकॉइन में मोइन भाई? जिसने शुरुआत में लिए 2007-8 के आसपास, वो सारे, अगर आपने 10,000 के भी लिए तो आप करोड़पति हो। तो अभी आप करोड़पति बन गए, नहीं, मैंने थोड़ा लेट लिए थे, मैंने 14 में लिए थे। तो लखपति बन गए, 60-70 लाख बन गए तुम्हारे? होंगे मेरे पास 30-40-40-40-40 के ऊपर के होंगे, अभी बीच क्या में कम हो बात गए है यार, थे। मेरा प्यारा मोमिन भाई तो फुल मजे कर रहा है एकदम। ओ बाप रे बाप, ये भारी है यार, अपने मोमिन हजरात नहीं भी फुल मौके की तलाश में है, किधर से पैसे बन रहे क्या नहीं बन रहे। नहीं इशू क्या है उसमें, कोई इशू नहीं है ना, मैं तो मार्केट भी करता हूँ, शेयर मार्केट भी करता हूँ, हाँ, सही है सही है। तो उसमें भी इधर अच्छा भी बन रहा है जाते हैं आजकल। क्या अपना पंजिम में, क्या बोलते हो उसको, अरे क्या बोलते यार वो पंजिम में क्या है वहां पे, क्या करते यार, शिट मेरे को नाम भूल गया मैं, पंजिम में क्या करते भाई लोग, कमेंट में डालो जरा, पंजिम में क्या है वो खेलते ना जाके अंदर, क्या कैसीनो, यार, जुआ? कसीनो। हाँ नहीं, कसीनो कैसीनो इसमें। जुआ, जुआ तो राम है ना, मैं शेयर मार्केट शेयर करता हूँ, उसके शेयर बाय करता हूँ, गोल्ड बाय करता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये सही है, मोमिन इस्लाम में कैसीनो में हराम नहीं नहीं है। जाएंगे बिटकॉइन में जाएंगे। ठीक है, एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे हैं, साहिल भाई आपने नहीं मांगा पर मैंने दिया, लाफिंग आउट लाउडली। थैंक यू सो मच एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो डिस्कशन पे आते हैं, थोड़ी हंसी मजाक मस्ती हो गई।
जी मोइन भाई, ये बताओ, ये जो हदीस है कहाँ हाँ बताओ, पे मैं है देख रहा हूँ इसको। हदीस? हाँ, ये हदीस में ये अल्लाह जो कह रहा है कि मोमिन के मुंह से निकलने वाली जो बदबू है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। ये क्या हाँ मिसाल दे रहा है अल्लाह? नहीं तो इसमें इसमें गलत क्या है मेरे भाई? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड है एक, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है आपको, आप ये कहोगे मेरी गर्लफ्रेंड की पिछवाड़े मुबारक से निकलने वाली टट्टी मेरे लिए क्रीड एवेंटेस की जितना है। क्रीड एवेंटेस पता है आपको नहीं पता। भाई? निश परफ्यूम है, 38 से 40 हज़ार का परफ्यूम आता है, 120 ml। हाँ, अभी आप ये कहोगे कि आपकी बीवी, आप बीवी गर्लफ्रेंड बोलता हूँ, बीवी मैं इतना क्लोज नहीं करूंगा आपको, आपकी गर्लफ्रेंड आपको खुशी देती है, आपकी बात सुनती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आप कहेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड की पिछवाड़ी से निकलने वाली टट्टी मुबारक मेरे लिए क्रीड एवेंटेस से बेहतर है। इसमें मेरे वाला पार्ट कहाँ गया? इस हदीस में मेरा वाला पार्ट कहाँ गया? क्या मेरा इसमें वाला? अल्लाह का, इसमें अल्लाह का और मोमिन का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। हाँ अल्लाह वही के बोल रहा हूँ लिए ना। और अल्लाह के हाँ सामने जाते हैं मोमिन, अल्लाह के सामने जाते हैं मोमिन का कहाँ स्मेल रह जाएगा अल्लाह के सामने? तो स्मेल नहीं रहेगी तो फिर खुशबू से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? अगर नहीं तो स्मेल रहेगी नहीं, वो मोमिन की, अगर मोमिन के लिए, मोमिन का गिफ्ट है ना वो अल्लाह के लिए, क्या जो है? जिसने मोमिन का, मोमिन ने जो रोजा रखा, जो फास्टिंग की, ठीक है, हाँ, तो वो अल्लाह के लिए गिफ्ट की तरह ना, अल्लाह के लिए गिफ्ट की तरह है, ये बोल रहे हो यस गिफ्ट ना? की तरह ना। तो जैसे आपने कोई सिंपल हाँ वर्क है, ठीक आप है, कोई छोटा बच्चा, सुन लो इधर मेरे भाई, अगर कोई हाँ छोटा सुना। बच्चा आपको एक कागज का फूल भी देगा ना, वो आपके लिए उस गुलाब से अच्छा है जो महकता होगा। अच्छा, लेकिन मैं क्या ये कहूंगा कि कागज के फूल में, कागज के फूल में खुशबू है करके मैं बोल सकता हूँ? आप बोल और सकते एक हो? चीज यहाँ नहीं तो आप पे, उस नहीं बच्चे को, सुनो, उस बच्चे के लिए नहीं बोलोगे? अगर उस बच्चे का झूठ दिल बोलूं टूटा होगा, मतलब जो उस बोल, बच्चे अगर उस को बच्चे खुश ने आपसे करने के। कहा, नहीं उस बच्चे अच्छा ने अच्छा एक आपके लिए मिनट, कहा एक मिनट कि भाई, क्या अंकल ये एक अच्छा मिनट है, एक मिनट आपको कि बहुत अच्छा है एक बेटा, मेरे मिनट एक जैसा फूल तो मैंने दुनिया में नहीं मोइन देखा। भाई, एक मिनट एक मिनट, क्या मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, आप बताओ मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? एक बच्चे ने गुलाब, नकली गुलाब मुझे लाके दिया, और रे 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 रे, मेरे प्यारे मुर्तदीन कह रहे हैं खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? डैश डैश हो नहीं सकती बनावटी उसूलों से। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अरे माँ, ये जिब्राइल की तरह कैसे आ गया भाई? ओह माय गुडनेस, वो शायरी बोल दो फिर, मैं एक मिसाल इनको दे रहा हूं और नहीं मुझे सर, पूछना है वो कि मैं आपने हाँ। आपने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बोल दिए। नहीं भाई, लेकिन वो दो तीन वर्ड भूल गया भाई, क्या था वो? क्या नहीं हो सकती बनावटी उसूलों से, बनावट के असूलों से क्या वो स्टेटमेंट भूल क्या है गया मैं पूरा? भी, अरे यार ये हमारे लाला कुरान की भी आयत भूल थोड़ी है जो मैं याद करूं। चलो कोई नहीं, हमारा कोई फैमिली मेंबर यानी जो हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, उसमें से कोई ये बता देगा ये शायरी पूरी क्या है। अच्छा मोइन भाई, मैं एक सच्चाई आपको एक छुप नहीं एग्जांपल, सकती बनावट के असूलों से, क्या क्या, सच्चाई छुप नहीं सकती हाँ बनावट के असूलों से, बनावटी खुशबू उसूलों से, वाह 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 आ वाह नहीं वाह, सकती कागज के फूलों से। क्या बात क्या बात, माशाओं माशाओं, बहुत जबरदस्त। अच्छा मोइन भाई, मैं एक चीज बोलता हूं, अच्छा सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मोइन भाई मुझे एक बात जी बताओ, मैं एक चीज बोल रहा हूं एक बच्चे को, वो बच्चा मुझे कागज का फूल या प्लास्टिक का फूल लाके दे रहा है, ठीक है, हाँ बहुत दिल से लाके दिया उसने मुझे, हाँ मैं उसको कह रहा हूं कि इस प्लास्टिक के फूल में असली गुलाब से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बोल सकते हो उसके लिए, उसके दिल रखने के लिए नहीं बोल नहीं सकते एक हो। मिनट एक मिनट, मैंने झूठ बोला या सच बोला?
उसकी फीलिंग को देखते हुए आपने ना झूठ बोला ना सच बोला। अच्छा एक मिनट, उसकी फीलिंग को देखते हुए ना आपने आपने झूठ बोला ना सच बोला, कितने बड़े उसकी फीलिंग की कदर भी है। अब वो आपकी फीलिंग की कदर आप कितनी करते हो। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आपकी बीवी, नहीं यार आई डोंट वॉन्ट टू बी आई डोंट वॉन्ट टू बॉडी शेम और समथिंग लाइक दैट। मैं लोगों से पूछता हूँ, गाइस मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने एग्जाम्पल दी और उस बच्चे को बोला कि रियल गुलाब से ज्यादा खुशबू है तेरे इस नकली गुलाब में, मैंने झूठ बोला या नहीं झूठ बोला बच्चे से? जरा कंफर्म करिए, सच या झूठ लिखे। यार इन द मीन टाइम ये कादर साहब बड़े तिलमिला रहे थे प्राइवेट चैट में, झूठ बोला, ये देखो झूठ बोला। आप झूठ बोल रहे हो, भले से आप उसका दिल रख रहे हो लेकिन आप झूठ बोल रहे हो। आप अगर काले को गोरा कहोगे, फीलिंग का किसी पोल से या किसी इससे कोई वैल्यू नहीं है। मैं किसी से मेरी क्या फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे क्या चांद लग रहा है, मैं बोलूं मुझे मेरी एक कोई गर्लफ्रेंड चांद से ज्यादा खूबसूरत है, भैया ये सच बोला झूठ बोला? ठीक है, अच्छा यहाँ भी आप डालोगे कि झूठ बोला भाई, वो मेरी फीलिंग है। अच्छा वो मेरी फीलिंग है, नो वन कैन, कोई भी मेरे पे थोप नहीं सकता ना वो चीज। अरे मोइन भाई मेरी बात, चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मोइन भाई मेरी बात सुनो, आपकी गर्लफ्रेंड टट्टी करती है या पाद मारती है, आप क्या बोलोगे उसको कि तेरे पाद में स्वाद है, स्वाद है तेरे पाद में स्वाद है, ऐसा बोलोगे? इतना आईक्यू होगा उसके अंदर, मुझे क्या बोलना है और उसको भी क्या क्या होगा कि उसको तुलना किससे करनी है? Exactly. क्योंकि यहाँ पे जो जवाब है ना, ये माउथ की स्मेल के लिए, माउथ की खुशबू के लिए, रब को लग रहा है, रब ने जो पॉइंट दिया उस मैटर में कमेंट करना कोई इशू नहीं है। ठीक है, लगता है रब को, वो उसका पार्ट है। ठीक है, मेरी फ्रेंड है, मुझे लग रहा है अगर वो मेरे पास खड़ी हुई है, मुझे लग रहा है उसकी वो है, तो मैं बोल सकता हूँ। मुझे तो लग रहा है, वो दूसरे पे तो नहीं सोच सकता ना मैं। अगर मैं कोई इंसान, आप बोल भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी, तो वो आपका मैटर है ना, वो और किसी का तो मैटर नहीं है। ऐसा मैटर है, आप दूसरे पे तो नहीं थोप सकते ना भाई। आप कुछ भी बोलो किसी से, वो दूसरे पे तो नहीं थोप सकते ना। आपका आइडिया थोप सकते हो क्या? आपको डेमोक्रेसी सिखा रही है, कोई भी चीज सिखा रही है? अरे रुको, रब का मोमिन का मैटर है, आपको क्या दिक्कत है उसमें? मैटर क्या दिक्कत है साहिल यार, आपको क्या दिक्कत है साहिल? रब का मैटर है, वो चुम्मी करे उसके गंदे मुंह में या ना करे, आपको क्या मैटर है भाई? नहीं, मैटर ये है एडम साहब, मैटर के आप एक बदबू को खुशबू से बड़ा मना बता रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ऊपर वाले को लग रहा है वो, हाँ मतलब आपका लग रहा है इतना गया गुजरा है, कोई चांद से अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, रियल नहीं है। अब उसमें वैज्ञानिक देखो, या चांद से अच्छा नहीं है, अल्लाह मतलब ये इतना इतना कोई मैटर नहीं है। हेलो 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 कादिर भाई, एक मिनट रुको कादिर भाई, मैं एक बात, एक सेकंड भाई रुको, एक मिनट रुको गाइस। इन्होंने कह दिया कि अल्लाह को लग रहा है, मतलब इनके अल्लाह की सिफत देखो, अल्लाह को बदबू खुशबू लगती है, इनके अल्लाह का पूरा सिस्टम अलग चलता है। बदबू खुशबू लग रही अल्लाह को, वो कौन सा फिल्टर लगा है भाई? एडम साहब, सर जी मैं क्या कह सकता हूँ सर, बड़े बड़े अल्लाह हैं, बड़े बड़े लोग हैं। सारी खुशबू जो टेस्ट है ना, जो आपकी ज्ञानेंद्रिया काम कर रही हैं, ठीक है, जो सेंसेस भी इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी वो दी हैं। यार बात सुने, अगर वो ना दी होती तो काम ही नहीं। यार हदीस को छोड़ें, हदीस को छोड़ें। आपके मोहम्मद रमजान के अंदर मिसवाक करते थे मल्टीपल टाइम्स। क्या करते थे? मिसवाक। हेलो भाई, हेलो हेलो, सुनो ना भाई। हां तू सुना दे भाई, सुना तू सुना। इससे पहले कि हम दूसरे हदीस पे जाएं, पहले इसी पे बात कर लेते। आपको पता है मेटाफर क्या होता है? मेटाफर क्या होता है जानते हैं? मेटाफर है जी, मेटाफर है ये, ठीक है मेटाफर। हां अच्छा, नहीं क्या होता है मेटाफर? अरे यार मेटाफर मान लिया ना, आप कह रहे मेटाफर। अरे क्या, अरे मेरे भाई। अच्छा अब मुझे ये बताइए, क्या मोहम्मद, क्या यार मैंने मान लिया आपकी बात,
क्या चलो मोहम्मद चलो दिहाड़ी में, रमजान में दिहाड़ी में मल्टीपल टाइम मसवाक करते थे कि नहीं? हाँ करते थे आगे ओके मुझे बताइए वो मसवाक क्यों करते थे मल्टीपल टाइम? ताकि देखो सबसे पहली बात ताकि बुरी स्मेल ना आए, और बुरी ये भी स्मेल है ना आए। कि अगर बुरी स्मेल आना अल्लाह को पसंद है तो मोहम्मद साहब मल्टीपल टाइम मसवाक क्यों करते थे रमजान में? मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम भाई, उसका भाई उस संबंध सिर्फ कादरी बुरी को स्मेल जो से ही आया नहीं ना, है। कादरी आया ना कारी, वो इसलिए आया कि नहीं वो आपकी हेल्प करने लगा, लिहाजा नहीं उसको मैं हेल्प जवाब कर देता लेने हूँ देना। उसका, यहाँ पे मैं अच्छा जवाब तू दे देगा, देता हूँ चल भाई। तू दे ले, तू दे ले। हाँ भाई जरूरी नहीं है कोई मिसवाक कर रहा है, उसका कोई रोल सिर्फ उसके स्मेल ही आ रही है इसीलिए, ठीक है मैंने करता तो मेरे नहीं मोहम्मद आती मसवाक स्मेल, क्यों करता था? तुमसे मेरे पूछा ही नहीं स्मेल मैंने, भाई मैंने मोहम्मद की भाई एक एक्सप्लिसिट सेकंड लोग अदर कर रहे हैं भाई, एग्जांपल आप दिए। 4 बार सुनो, कोई 2 बार नहीं मंजन नहीं मन रहा है, कोई 4 बार कर रहा है, कोई हर घंटे में कर रहा है, उसका मीटर है भाई, मेरा क्या पार्ट है उसमें हाँ, तो बोलने इसीलिए का। पूछा भाई है वो मैंने, मैं 2 बार करता हूँ, सुनो सुनो ना, मैं 2 बार मंजन करता हूँ, कोई 4 बार करता है, इसीलिए पूछा अब वो है कि 4 बार क्यों कर रहा है मोहम्मद जिसकी स्मेल आ रही है, रमजान ये आप फिक्स में करो रोजे के दौरान मल्टीपल टाइम मसवाक क्यों करता था? इसीलिए मैंने भाई, वो पूछा। कोई किसी भी वक्त करे, वो उनका मीटर है ना भाई, भाई वजू के टाइम, हम्म। पांचों टाइम वजू के टाइम तो हम लोग मिसवाक करते ही हैं, आप लोग बस नहीं करते क्या? नहीं भाई अरे वाह वो नहीं है। क्या मुस्लिम हो, क्या मुस्लिम हो। अच्छा एडम आप आज भी क्रिश्चियन है, मसवाक करते साहिल हैं, एक्स मुस्लिम आप आज है भी मसवाक भाई। करते हैं कादरी साहब? अरे भाई उंगली से मिसवाक करो, दतुअन से करो, या मिसवाक लो किससे भी करो, सुन्नत है, अगर करना है तो करो, अच्छी बात है, स्मेल नहीं मोहम्मद रहेगी। मोहम्मद हाँ स्मेल नहीं रहेगी, थैंक यू सो वेरी हाँ मच। सुनो सुनो तो मुझे बताइए, रिलैक्स हो जाए सर, सुनो सुनता हूँ, अगर जब सवाल ही नहीं मैंने किया तो सुनाओगे क्या? क्या सुना है? चलो गाना सुना दो कोई। चलो ना चलो बोलो बोलो। तो मोहम्मद रमजान में स्पेशली हमारे पास मल्टीपल रेफरेंसेज हैं, ठीक है, और पहले आपको वो भी पता रेफरेंस है। दो, पहले वो नहीं 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 रेफरेंस दो, तब आगे की बात करते कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो मोहम्मद हैं। रमजान में मसवाक करता था मल्टीपल टाइम्स, करते थे हमेशा। हाँ करते था, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अरे अरे एडम भाई सुनो, एडम भाई सुनो, किसी भी है ना बड़ी हस्ती ना का नाम ना है ना तमीज से लो यार, फिर कोई आपके अरे छोड़ आपके यार, लिए भी बोलेगा, फिर आपके अरे आपके छोड़ यार, आपके बड़ी हस्ती के लिए भी बोलेगा कोई। यार आप अरे बोलते बोलने रहते हैं दो, हाँ यार, आप लोग गालियां निकालते हो बाकी से, छोड़ दो, मुझे क्या तकलीफ है भाई, कहते रहो। चलो बोलो आगे। अगर किसी भी बड़ी हस्ती का पासा लथ जाता है किसी दूसरे के इस तरह से कहने से तो ठीक है, लेकिन मोहम्मद का तो पासा लथता है, तुम लोग ब्लास्फेमी के केस में अरे कत्ल करते हो, ठीक है, तो मुझे बोल मत भाई सिखाओ, आगे मुझे बोल, मत अरे बताओ ईसाई यार, करते हैं तुमसे नहीं यार उसको बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा यार, ईसाई तुमसे करते बात हैं, तेरे रिच ईसाई ईसाई हैं करते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है चलो बेहतरीन, सबसे लेकिन ज्यादा ईसाई मोहम्मद टेररिस्ट को हैं। मोहम्मद ईसाई करते हैं, तुमने देख लिया ईसाइयों करते हुए ना, जिस जिसको देखा देखा ना ना, उसको जाके कत्ल कर दो, देखा है ना ठीक है। भैया, नाउ देखा है कमिंग ना। बैक टू द सेम पॉइंट, मोहम्मद जो है वो, अच्छा रमजान के रोजे का बेसिक पर्पस क्या है रोजे का, यार हाँ पर्पस है क्या है? ना, खुदा के वास्ते खुद को भूखा खुदा रखना, ये एक के तरह का वास्ते खुद को इबादत। भूखा रखना, नहीं और भूखा रखना नहीं होता ये भाई, इसमें कादिर भाई गलत बोल रहे हो, चलो आपस में एक दूसरे से बात खुदा कर के लो आगे। लिए कादिर भाई गलत बोल रहे हो, कंट्रोल हाँ अपने बोलो रखो, बोलो, मतलब अपनी गादिर गलत हो नफ्सियात यार पे ना, तुम। जी सर, उस पे कंट्रोल नहीं रखना, बोलने दो, बोल जो भी बोलने दो। आपकी नफ्सियात है जिस चीज में आपका, देखो सिंपल ही वे क्या है रमजान का, रमजान का एक हर इंसान के ह्यूमिटी के लिए सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो इस्लाम है, अब से नहीं शुरू से ही, ठीक है। रमजान का मोटिव क्या है, एक राजा को एक बादशाह को कैसे पता चलेगा भूख क्या होती है, ठीक है, जो हर वक्त मंगा सकता है चुटकी अरे में, रमजान ठीक का है। बेसिक और पर्पस सुनो क्या मेरी है वो बात भाई, बता पहले रहे थे मुझे बोलने तो आप, बाद में कहानी चुप कर नहीं, लेंगे। लंबी कहानी नहीं चाहिए, बेसिक पर्पस क्या है हाँ वो तो बताएं। सारी जब तक पूरी कहानी नहीं होती जब तक पूरा लॉजिक नहीं समझ में नहीं मैं आता, आपको निकाल दूंगा एक अगर ऐसा कहानी धर्म सुनाने है गए तो, मुझे जिसने बताया कि मुद्दा भाई एंड अपने में बताएं प्यारे भाई को साथ फास्टिंग मिला का के पर्पस क्या चलाओ, है। ठीक है, और अपनी भूख को देखो, भूख होती क्या है, तो भूख जिसको भूख लगती है वो उसको कंटrol करना कि भाई ओके देखो अब तो रमजान हर का घंटे मतलब कर रहा है, सिर्फ भूख को कंट्रोल कंट्रोल करो। करना है, भूख को यस कंट्रोल करना है सिर्फ, दैट्स इट। नहीं यार हर चीज से परहेज करना है, जो भी जिस भी काम में तुम मशगूल रहते थे उसे थोड़ा ब्रेक लेना है, ताकि तुम खुदा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दो, कम से कम इस महीने में। ओके आर यू श्योर कि रमजान का पर्पस सिर्फ और सिर्फ भूखा रहना नहीं है? श्योर दोनों श्योर भाई है, इस चीज से एग्री करते हो? हाँ श्योर, श्योर रमजान का मकसद नफसानी ख्वाहिशात और जो नॉर्मल चीजें हैं मसलन बीवी के पास जाना, इन सब से रोकना और अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल रखना है, क्या ये करेक्ट कह रहा हूं मैं कि झूठ बह रहा हूं? सही कह रहे हो, लेकिन आपने वो जो ये अपने आप कहा में ना इबादत कि हो जाती है, जहां रमजान आपने स्टार्ट किया ठीक है रखा, वहां से ऑटोमेटिक वो इबादत का पार्ट हो गया, ठीक है, इसके यार लिए आपको अपने वेज को कहानी कबूल नहीं नहीं करना यार, खुदा के एंड में लिए। मुद्दा बताओ यार मुझे, सिंपल।
रमजान के रोजों का पर्पस क्या है वो बताओ। बता दिया ना, टोटल कंट्रोल ऑफ नफ्स, सारा जो भी टोटल आपकी, कंट्रोल ऑफ नफ्स, यस बेहतरीन। यस कादरी साहब आप भी एग्री करते हैं टोटल कंट्रोल ऑफ नफ्स है ये? हाँ भाई, अग्रीड अग्रीड। ओके, अब फिर मुझे ये बताएं कि मोहम्मद रमजान में रोजा रख के अपनी छोटी बीवी आयशा को चुमिया चाटियां क्यों करता था? जी देखो, एविडेंस मुझे दिखाओ, पता था आपने तुम ये देखा बात का। था? रुक जी जाओ, ये सुनो ना, सुनो, एविडेंस दिखाओ, आपने एक देखा सेकंड, था रमजान में? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखो मैंने ये हदीस पढ़ा है, और देखो सबसे पढ़ा पहली ना बात, आपने? रोजे में, आपके दूसरे हाँ भाई ने नहीं सुनो पढ़ा, मैं दिखा देता हूँ। एक, नहीं नहीं भाई बिलावकरी एक सेकंड मुत्तफिक मुत्तफिक अलैह हदीस है, मिशकात मसाबी में भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी है, बुखारी में भी है, मुत्तफिक अलैह। मोहम्मद रमजान में आयशा जी की चुमिया चाटियां करता था क्यों? अगर इसका मकसद, रमजान के रोजे का मकसद स्पिरिचुअलिटी गेन करना है, रब के लिए चीजों को छोड़ना है, दिमाग को रब की इबादत के अंदर मशगूल करना भाई। है, तो मोहम्मद हेलो सुन जैसा भाई, बंदा जो इतना बड़ा प्रॉफिट है वो चुमियों चाटियों अच्छा में बिजी क्यों होता है? उसको तो दिखाना चाहिए था कि भाई मैं तो रमजान में किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी अचीव कर रहा हूं, तुम लोग भी करना, और अपनी बीवियों की चुमिया चाटियां मत करना। मोहम्मद तो खुद चुमिया चाटियां कर रहा है, वो बता रहे रमजान में सिर्फ फाके रहो, रमजान का मकसद सिर्फ फाके रहना अरे है और कुछ नहीं है। मेरे मैं मेरे जवाब दूंगा भाई, इसका, पहले कादिर भाई तो आप बोलो। तू ये हदीस का तशरीह पढ़ा ही नहीं है। देख पहली बात ये है कि सारे इमाम, सारे सहाबा ये मानते हैं कि जो सेंशुअल हो जाए ना, तुम ऐसे एक्ट मत करो जिसमें तुम ज़्यादा ही इंटीमेसी हो जाए। जैसे सपोज इतना भी ज़्यादा रोमांस नहीं, अगर तुम किस वगैरह नहीं करोगे तो तुम्हारे वाइफ रख के फ़ायदा क्या? वाइफ का हक होता है भाई, अरे तो उसको सुबह अफ्तारी के बाद सुबह होगा शाम ना, इफ्तारी के बाद ना भाई। होगा। अभी तुम्हें पूरी रात अच्छा दे दी उमर के लुल्ले की ठंडक के लिए, पूरी रात का रोजा खत्म हो गया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है? ऐसा नहीं अब है सिर्फ दिन दिन का किस, रोजा रह गया है, अब सिर्फ दिन का रोजा रह गया है। अब दिन के रोजे के अंदर भी मोहम्मद चुम्मी चाटी कर रहा है अपनी बेगम के साथ क्यों? जी अरे भाई वो ऐसा नहीं, किस नहीं है जिससे कि तुम्हारा रोजा मकरूह हो जाए? वो ऐसा जब किस है, क्योंकि आयशा बोल रही है कि जो मोहम्मद है वो अपने प्राइवेट पार्ट को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। आयशा बोल रही है कि मोहम्मद जब चुम्मी चाटी करता है तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रख सकता है। तुम लोग अच्छा करोगे अच्छा ध्यान सुनो से करना, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट खड़ा ना हो जाए, उसके अंदर से पानी ना सुनो निकल सुनो, आए। वो एक आयशा सेकंड बोल एक रही सेकंड, है कि ही इज वन ऑफ यू हु हैड द मोस्ट कंट्रोल ओवर योर प्राइवेट पार्ट। अच्छा ये सुन बे। इरफा जो अरे है यार वो मतलब ही बोलने है उसका प्राइवेट पार्ट। मुझे ये में जरा बताइए भाई, बोलने मोहम्मद में जो मैं तो है, जवाब मोहम्मद जो है वो सुन ही नहीं अपने रहा प्राइवेट पार्ट मैडम भाई। को बोलने दो, कैसे संभाल बोलने सकते दो, हैं? और आप दूसरे को भी बात सुने बोलने यार, दो। एक सेकंड, टेटेकम 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 टेटेकम, ये उर्वा जो अरे है, अरे उर्वा का मतलब क्या होता है इन रियलिटी? उर्वा का मतलब क्या है? डिजायर शायद से, डिजायर? नहीं, यस डिजायर यस एक सेकंड, यही तो आपको पता नहीं है, ये तो शुगर कोटेड ट्रांसलेशन है। एक दो फिर, ये तो फिर अगर शुगर कोटेड ट्रांसलेशन है। ना ना उर्बा का मतलब देखो, है खड़े होने से रोकने को, खड़े होने को कहते हैं। ली उर्बा जो टू रेज हिम, खड़ा करना। ये देखो, ये लो, मैं इसको आपको लेक्सिकॉन्स के अंदर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर के अंदर दिखाता हूं मेरी जान। टू रेज हिम, खड़ा होने से रोकने को, ठीक है? डिजायर की गेम फर्क है, डिजायर की गेम बाद में देखते हैं। डिजायर कहां पे है ये देखिए, अब मैं बोल रहा और हूँ, अब मैं मैं बात कर रहा हूँ, आपको सुनो डिजायर मेरी भी बात। दिखाता हूं। मोहम्मद जो है जब चुम्मी करता अरे था अपनी सुन बीवी को, तो, चुम्मी चाटी अब करता बाबा था, बोलने तो तो दे भैया, गद्दा बोलने तो दे। उस वक्त चप्पे अंबका नहीं बता तुम लोगों को, 2 घंटे से टैटा कर रहे हो, आप कह रहे ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे सब कुछ पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हुज्जत के ऊपर बोल रहा हूँ, रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, लेक्सिकॉन सामने रख के दिखा के बोलूंगा, टैटे कम, ठीक है? मोहम्मद अपनी बीवी के साथ, तुम लोगों ने अभी बोला, मैं तुम लोगों से आराम से, बड़े आराम से हर चीज तुमसे पूछी है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए है, अगर ये अल्लाह के नजदीक रहने के लिए है, अगर ये दिमाग में से हर किस्म की दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म अभी मैं करने के जवाब लिए नहीं है, दूंगा पहले। तो मोहम्मद दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर बैठ के अपनी बीवी को चुम्मी चाटी क्यों कर रहा है? ना हाँ उसकी जवाब, अब जवाब दे दो। जैसे मैंने पहले वर्डिंग में कहा था, वो बात में मैं अभी भी का मतलब कायम हूँ कि क्या नाम है, कंट्रोल, ठीक है, स्पेशली कंट्रोल। यहाँ भाई, पे मोहम्मद सुनो आदम भाई, वालों ने, बस अगर ऐसा नहीं, ये समझाया, एक सुन लो यहाँ पे। कादिर भाई मैं बोल लूँ पहले, फिर आप बोल लेना। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। जब तक तुम बोलोगे इनको एक दूसरा काम दे देता हूँ मैं।
सुना दो मैं, बस तुम इतना किसी भी हदीस से प्रूफ कर दो कि जब हुजूर पाक ने रोजा रखा था उन्होंने सेक्स भी किया था, बस इतना प्रूफ कर दो मैंने और मैं सेक्स आज बोला? के आज मैंने सेक्स बोला? मैं, मैंने तो कहा है कि अरे आयशा कह भाई रही है मोहम्मद अपने लुल्ले को सबसे ज्यादा संभाल के रखता था, मैंने तो खुद बोल दी है, इससे ज्यादा कादिर क्या भाई बोलूं। अरे इसलिए मैं भाई बोल रहा हूँ, हेलो कादिर भाई गलत इसीलिए बात, नहीं बोल जब रहा, मैंने क्यों जो चीज मैंने तेरे, बोली ना नहीं ना है, एक सेकंड, जो चीज तेरे मैंने क्या, बोली नहीं है उसको प्रूफ क्यों करूं? क्या स्टूपिड बात है तुम्हारी? जो चीज मैंने बोली नहीं है उसको प्रूफ करूं? हाउ स्टूपिड आर यू? अरे यू आर भाई मेरे आस्किंग मी तेरे टू प्रूव समथिंग जिसको मैंने तो बोला ही जिस, नहीं। यार लाइक कादिर देख भाई देख बोलने देख तो ना दिस मुझे। इज द अटमोस्ट स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दैट यू कुड एवर ब्रिंग अप। क्या अरे भाई मेरे बीवी के साथ तेरे, चुम्बी चाटी दुनियावी ख्वाहिशात नहीं है? मेरे मैं अरे बोलूं चुम्मी कादिर क्या भाई को आटी। मुझे, कादिर भाई आप चुप रहो यार, 2 मिनट तो चुप हो जाओ। ठीक है बोल। हाँ भाई सुन लो, माँ ऐसा का जो यही हदीस है ना आपकी, इस हदीस में भी कंट्रोल है। अगर उनमें इतनी कैपेसिटी है किसी के अंदर भी कि क्या नाम है, वो कोई टच भी कर रहा है, ये एग्जाम्पल है मोमिनों के लिए वो अपने कि लुल्ले को अगर संभाल के आपका रखता रब, था भाई, दैट्स ओके, आई सुनो हैव नो प््रॉब्लम मेरी इन बात दैट। कि नाउ लेकिन अगर चुम्मी आपके चाटी क्यों अंदर कर रहा रोजा है? है, इतना पावरफुल नफसानी रोजा रखा ख्वाहिशात कि पे आ क्योंकि गया ना आपके पास, वो। यार सुनो मेरी बीवी को बात, चुम्मी चाटी नफसानी ख्वाहिश है कि नहीं? मेरी बात मैं मुझे बोलने दो यार पहले, 2 मिनट सिंपल, की बात। बीवी की चुम्मी चाटी नफसानी ख्वाहिश है कि अबे नहीं? गधे सुन ले, हरामी की जने सुन गधा ले मेरी हो, बात पहले, गधा होगा तू, तेरा जिस बाप, हरामी तेरा की मोहम्मद बोल, हरामी होगा, तेरा मोहम्मद गेट लॉस्ट, नाउ यू आर टायर्ड, डोंट कम बैक, एब्सोल्युटली गेट लॉस्ट। ओके हाँ जी गादी साहब, उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि अब वो आ गया गालियों के ऊपर। सर नफसानी ख्वाहिशात में शामिल है कि नहीं चुम्मी चाटी? ओके काई साहब भी भाग गया, उन्होंने कहा ओके, जो मेरा आखिरी बंदा था जो कि गुस्से में आया था, जो मुझे बचा रहा था, वो अब मुझे बचा नहीं सकता, लिहाजा मैं भी भाग जाता हूं। सर इतनी सी गेम है, जितना मर्जी ये लोग गेम डाल लें, इस्लाम में रत्ती भर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। रमजान इज द ओनली थिंग जिसको मुसलमान हमेशा हमेशा लेके आते थे और कहते थे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, देखना तो रमजान में देखो स्पिरिचुअलिटी। हम नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करते हैं रमजान के अंदर। जिनका नबी रमजान के 30 दिनों में सिर्फ, रातों में नहीं, दिनों में सिर्फ, अपनी बीवियों की चुम्मी चाटियां कंट्रोल नहीं कर सकता, उस धर्म में, ये लोग धर्म कहते हैं ना, उस धर्म में, उस दीन में अंब स्पिरिचुअलिटी है कि आप एक साल के बाद 29 या 30 दिनों के लिए सिर्फ दिन दिन में बीवी के साथ चुम्मी चाटी से गुरेज नहीं कर सकते। बाय द वे और हदीस भी है जहां पे क्या है, फ्रेंच किसिंग भी हो रही थी, लेकिन उसको कई लोग जो है ना जईफ कहने की कोशिश करते हैं आजकल, लेकिन कुछ उसको सही भी कहते हैं कि वो फ्रेंच किसिंग भी कर रहा था, लेकिन कहते हैं सलाइवा चला गया तो शायद इस वजह से वो, ये जईफ रिवायत है। कुछ लोग कहते हैं उसको जईफ, कुछ सही भी कहते हैं कि सलाइवा अंदर मत लेके जाओ। सो फ्रेंच किस, यानी कि जुबान को सख्त करने वाला फ्रेंच किस, वो भी मोहम्मद ने किया चंद रवायात के मुताबिक, लेकिन कुछ स्कॉलर्स उस रवायत को जईफ दिखाते हैं। मैं तो उसको भी दिखा भी नहीं रहा इसलिए, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स उसको जईफ कहते हैं, अच्छा लेकिन अगर ये आप जुबान को नहीं भी शक करते तो भी ये नफसानी ख्वाहिश नहीं है जो मोहम्मद कर रहा है। जी साहिल भाई नहीं, बिल्कुल ये नफसानी ख्वाहिश ही होती है। अगर आप किसी के साथ चुम्मा चाटी कर रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, तो ये नफसानी ख्वाहिश ही है। और अगर सोचो कि अगर ये अगर अलाउड है, इससे अगर आप खुदा से दूर नहीं हो रहे, तो एक यार 20-25 मिनट का जो एक्ट है टोटल इंटरकोर्स, फिर उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो एडम मैं साहब? आपकी बात बिल्कुल समझ गया।